हेलो एवरीवन, देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6। देखो इसमें भी हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो वेरिएबल है नीचे हैं और रूट में है, ठीक है। तो इसमें भी देखो जरा, ये आपके पास इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन दी है, ठीक है। तो पहले इनको रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे तो वो कैसे होंगे, देखो इस इक्वेशन में और इसमें देखो, यहाँ फर्स्ट एक्स वाली टर्म में देखो जरा कौन सी कौन चीज़ कॉमन है। 1/√x कॉमन है, इधर भी 1/√x है, और इधर 1/√y है, इधर भी 1/√y है। तो इन्हीं को लेट करेंगे हम, समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं, देखो 1/√x को हम p लेट कर लेते हैं, और 1 यहाँ लिख देते हैं लेट, और 1/√y को हमने क्या मान लिया, q मान लिया, क्लियर या नहीं। बस अब तो सिंपल है, फिर पुट करते हैं। देखो यहाँ पर 2/√x है, ठीक है। तो 2 एज इट इज़ ऊपर ही है क्योंकि ये, और 1/√x को p मानना है तो p प्लस में 3, और फिर 1/√y को क्या मानना है q, तो ये q आ गया इक्वल टू में 2। कितनी बात क्लियर है। फिर इसको देखो इक्वेशन को, नीचे वाली को, तो इसमें देखो 4 है और 1/√x को हम p मानेंगे, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, और 9 है आपके पास, और रूट वाई है, 1/√y को क्या माना है q, और इक्वल टू में है -1। कितनी बात क्लियर है। ये आपके पास फर्स्ट हो गई और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो करना क्या है, एक चीज़ को हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इक्वल करना होता है। तो इक्वल कैसे करेंगे बताओ जरा। देखो अगर आप देख रहे हो यहाँ नीचे 4p है, ठीक है, और एक तो देखो मेथड ये है कि इसका 4 है तो इधर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2p है तो इसका 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा दिमाग इस तरीके से लगाया करो कि हमें तो इक्वल करनी है ना चीज़, मेन बात है p की करो इक्वल या q वाली इक्वल करो, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 4p तो ये हो ही जाएगा, तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, तो देखो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 × 4p प्लस 3 × 6q एंड 2 × 4, और ये आ गया आपके पास 4p नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ -9q इक्वल टू में -1, ठीक है। अब इनको भी सोल्व किससे करना है हमें, एलिमिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस। अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना आपको, ये 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 है, या 4p माइनस 9q इक्वल टू -1 है, ये सब रिड्यूस हो गई है, ठीक है। ये इक्वेशंस थी हमारे पास, जो ये किस में रिड्यूस हो गई, लीनियर फॉर्म में, समझ रहे हो। तो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम, एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड से, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो अब देखो फिर वही बात है कि इसमें एडिशन करें आपके सब्ट्रैक्शन करें, तो ये आपको देखना होता है। जैसे हमने ये वाली चीज़ इक्वल करी है पी वाली, ठीक है, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है। अब ये कैंसिल कब होंगे, जब नीचे साइन यहाँ माइनस का आएगा, तो वो सब्ट्रैक्शन का केस है जब हम साइन चेंज करते हैं, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन में आपको मैंने ये बताया भी था एलिमिनेशन में, अगर यहाँ माइनस होता फिर ये एडिशन में जाता, क्योंकि हमें एक साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये माइनस होता तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता। मेन क्या है हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन में काम, कि एलिमिनेशन करनी है, ठीक है। तो वो चाहे एडिशन से हो चाहे सब्ट्रैक्शन से हो, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन से होगी तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और माइनस वाला यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, और यानी कि 9 और 6 इज़ 15 q, प्लस का ही होगा, और ये भी प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 1 कितना हो गया आपके पास, 5। तो यहाँ से जो q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/15, और 5 × 3 = 15, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3। q की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/3। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है, क्लियर। अब देखो पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, दैट इज़ 2p प्लस में, ये देख रहे होंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, 2p प्लस में क्या है, 3q, और q की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ, एंड इक्वल टू 2 है, समझ रहे हो। इसमें 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 में, तो 2p प्लस 3 इंटू में q, q की वैल्यू 1/3 रख दी, एंड इक्वल टू 2, समझ रहे हो बात को। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2p प्लस में, इधर बचा 1 इक्वल टू में 2, एंड 2p इक्वल टू में 2, और ये 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, एंड 2p इज इक्वल टू में 2 माइनस 1 इज़ 1, एंड p इज इक्वल टू में कितना आ गया, ये 1/2 आ गया, समझ रहे होंगे बात को। इधर 2 ये नीचे यहाँ पर चल जाएगा 1 के नीचे, ठीक है, समझ रहे हो। तो p की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब देखो q की वैल्यू आ गई 1/3 और p की आ गई 1/2। अब हमें क्या करना है इनको, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो और x और y में हमने देखो ये लेट किया था 1/√x को कितना p, और 1/√y को q। तो यहाँ पर देखो ज़रा, 1/√x को हमने लेट किया था p, और 1/√y को हमने लेट किया था q। अब देखो
वन बाय रूट एक्स, और जो पी की वैल्यू आई थी वो आई थी आपके पास 1/2, और ये है 1/√y, और क्यू की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/3। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें रूट हटाना है ये, ठीक है। तो रूट कैसे हटेगा, स्क्वेयरिंग कर दें हम दोनों साइड, तो यहाँ कर देते हैं हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो देखो 1/√x का स्क्वेयर इक्वल टू में 1/2 का स्क्वेयर, देखो 1 का स्क्वेयर 1 आएगा, रूट एक्स का स्क्वेयर, देखो रूट एक्स का स्क्वेयर क्या होता है, स्क्वेयर से ये रूट कट कैंसिल हो जाता है, तो एक्स बचा, 1 का स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर 4, एक्स इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करो और 4 को इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, 4 आ गई, क्लियर। सिमिलरली आप यहाँ पर भी करो इस चीज़ को, तो देखो ये 1/√y इज इक्वल टू में 1/3 है, तो यहाँ भी ऐसे ही करो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रही होगी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमें एक्चुअली में रूट क्या यहाँ से हटाना है, तभी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो 1/√y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/3 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट वाई का स्क्वायर वाई आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई इधर जाएगा और 9 इधर जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 9। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आ रहा है समझ में, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4, ये आपके पास इसके आंसर आ गए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मेन चीज़ बस यहाँ आपको देखना है कि कैसे लेट करना है, ठीक है, और रूट देखकर घबराना नहीं है, बहुत इजी वाली बात है ये भी। आया समझ में, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।